कॉलेज स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा वह है भारतीय संविधान के भाग पाँच से रिलेटेड। भारतीय संविधान का जो भाग पाँच का भाग पाँच से रिलेटेड जो है चलेगा, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि भाग पाँच का मैंने एक बार और बता दिया गया था, इसके बाद आपको फिर दोबारा से बता दिया जा रहा है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भारतीय संविधान का भाग पाँचवा है, ये आर्टिकल 32 से लेकर या फिर अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णित किया गया, ठीक है, 151 तक किया गया, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका वर्णित किया गया, इसका भारतीय संविधान के भाग पाँच। इसमें मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया गया था कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, संघ का, ये भी बता दें संघ, ठीक। संघ को किस प्रकार से कंप्लीट करना था ये बताना था हमें, तो हमें ध्यान देना है कि जो संघ है इसे या लर्न करने का मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंस है, ठीक। कैसे डिफरेंस है कि आप इसमें समझेंगे कि जैसे इसके पार्ट हैं, कितने पार्टों में डिवाइड है, बांटा गया है, इसके बारे में समझना है। तो हमें ये देखना है कि हमें इसमें किस प्रकार से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कार्यपालिका, और इसमें कार्यपालिका को सबसे पहले आपको पढ़ना है कार्यपालिका के बारे में। अब जो कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे वो 52 से 52 से जो है 78 तक इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 52 से 78 तक इसका वर्णन किया गया है, ओके। इसके बाद जैसे कार्यपालिका के बाद आती है विधायिका, ठीक है, विधायिका इसे आप संसद भी कह सकते हैं, ठीक, संसद भी कह सकते हैं। अब जो संसद है ये जो है आर्टिकल नंबर 79 से आगे है, 79 से 132 तक वर्णन किया गया, ठीक, 132 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है 132 के बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यहाँ पर आ गई है, क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, ठीक। अब राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल नंबर 123 में अर्थात 123 में वर्णित किया, ठीक, जिसमें 123 में इसका वर्णित किया, ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट बात करें तो फिर है न्यायपालिका, क्या है न्यायपालिका, न्यायपालिका 124 से 147 तक इसका वर्णन किया गया है, इसका न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, ओके, न्यायपालिका कहाँ से 124 से 147 तक वर्णन किया गया है, ओके, इसका न्यायपालिका, ठीक। न्यायपालिका के बाद इसके बाद है CAG, नेक्स्ट नंबर क्या है CAG, अब इसका वर्णन जो किया गया है वो किसके अंतर्गत है, कितने आर्टिकल, अर्थात 148 से लेकर के 151 तक, 148 से
भगवान शक्ति अंतर वर्ण किया था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि जो अब हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, ये बात तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काले बालिका के बारे में, अर्थात जो है सबसे पहला पाठ मैंने बताया था काले बालिका के बारे में। ठीक, अब जो काले बालिका है इसका वर्णन, इस काले बालिका का जो वर्णन किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक किया, कितने भाग में बांटा गया और अगर बांटा गया तो उनको कैसे याद है। ठीक, ये टॉपिक है। तो जो कार्यपालिका है इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल्स वर्णन किए गए हैं वो है 52 से लेकर 78 तक के आर्टिकल्स में रखा है। ओके, इसके बाद जो है हमें ध्यान देना कि जैसे मैं इसमें डिवाइड करूँ, ठीक, तो इसमें भी जो है फोर पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फोर पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब बात आती है जब फोर पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है तो कौन सा सबसे पहला कौन सा पार्ट हुआ, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये जो है कौन से आर्टिकल्स में इसका वर्णन किया गया है, तो हमें ध्यान देना है इसका आर्टिकल्स नंबर 52 से शुरू हुआ था और 52 से लेकर 73 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक, ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट्स और जो राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया गया, ये आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया। ओके, इसके बाद जो बात आती है वो है मंत्री परिषद, क्या है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में क्या है, अब हमें देखना है मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री। ठीक, ये अब जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का वर्णन किस आर्टिकल्स में किया गया, तो अब आपको मालूम है 73 के बाद 74 से 75 तक वर्णन किया गया। 74 और 75 वाले आर्टिकल मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया। ओके, अब है महान्यायवादी, क्या है टेस्ट है महान्यायवादी, महान्यायवादी का क्या किस प्रकार से वर्णन करना है, तो ये जो है आर्टिकल नंबर 76 वाले आर्टिकल से पढ़ किया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है वो कौन सा आर्टिकल्स है, सरकारी कार्य या फिर सरकारी कार्य की प्रक्रिया। ठीक, जैसे मैंने कहा 75 के बाद जैसे मैंने आपसे आपको बताया कि सरकारी कार्य की प्रक्रियाएँ कौन से आर्टिकल्स के तहत रखी गई है, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, तो कौन से आर्टिकल्स के तहत रखी गई हैं, तो हमें ध्यान देना है कि 77 से 78 तक के 77 से 78 तक के आर्टिकल्स में सरकारी कार्य की क्रियाएँ या सरकारी कार्य की प्रक्रियाएँ रखी गई हैं, सरकारी कार्य की प्रक्रिया। ये था आपका जो है आज का टॉपिक। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो बाकी का इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसको आप लोग सभी देख कर भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।